नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्लीव्स कैसे लगाई जाती है। जब हम स्लीव्स लगाते हैं तो ब्लाउज आगे पीछे हो जाता है, फुगा आ जाता है। और दूसरा है कमर की फिटिंग कैसे की जाती है, कमर में जो कमर पट्टी है वो कैसे लगाई जाती है, और स्लीव्स भी आगे पीछे हो जाता है। और हाँ दोस्तों, मेन बात तो ये कि फिटिंग तो की तो कैसे किया जाता है। मेन हम जो ब्लाउज मतलब सिलाई करने बैठते हैं तो फिटिंग बराबर आती नहीं है और स्ट्रेट लाइन भी आती नहीं। तो इस वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बताया हुआ है दोस्तों। तो आपको क्या करना, आखिरी तक वीडियो देखना है। और वीडियो कैसे लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हुए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो अभी तीन बातें हम बराबर ध्यान देके वीडियो देख लेते हैं। अभी यहाँ पे स्लीव्स आगे पीछे हो जाता है, कभी हम लोग स्लीव्स में स्टिचिंग करते तो फुगा आ जाता है, वो बताना चाहोगी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। अभी आप देख रहे हो जो ये वाला कैरी का जो शेप है अंदर वाला पार्ट, तो यहाँ पे हमने एक चौक लेना है। चौक के सहायता से हमें इसे पहले निशानी कर लेनी है। यानी ये निशानी करने से क्या होता है, हमें मालूम होता है कि ये वाला पार्ट हमें आगे आना चाहिए इस तरह से। आप देख रहे हो इस तरह से। तो अभी हमें कवर सिलाई करना है। बहुत जनों की दिक्कत होती है कवर सिलाई कैसे की जाती है, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे हमने कवर सिलाई करनी है, इसे मैं थोड़ा साइड कर लेती हूँ, एक जगह बता देती हूँ। आगे पीछे देख लेना, ये उल्टा ये सीधा, ये उल्टा है और ये वाला सीधा पार्ट है। तो यहाँ पे हमें ऐसे रखना, अस्तर नीचे रख लेना है इस तरह से, और कोने में सिलाई मारते जाना है दोस्तों। एकदम कोने में कवर सिलाई करनी है। यहाँ पे हाथ सिलाई वगैरह नहीं किया तो भी चल जाता है इस तरह से, देख रहे हो। यहाँ पे हमने कोने में सिलाई मार ली है। अभी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी इसे हमें ऐसे करना है, ये जो वाला पार्ट है हमें इसको ऐसे रखना है अस्तर के इस पे, देख रहे हो इस तरह से जो दिख रही है आपको ये सिलाई, तो यहाँ पे रखना है इस पे, यहाँ पे नहीं रखना है। और हाथों से ऐसे हमें प्रेस कर लेना है, यानी फिनिशिंग बनी रहती है। यहाँ पे हाथ सिलाई की गरज नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने लब सिलाई मारनी है एक जैसे ही, देख लो एकदम, कपड़ा थोड़ा भी खींचना नहीं दोस्तों। कभी भी सिलाई करते समय एक बात का ध्यान देना है, कपड़ा खींचना नहीं है। अभी यहाँ पे मैंने एक लब सिलाई मार ली एकदम इस तरह से। अभी हमें इसे ऐसे करना है, देख लो एकदम ये कवर सिलाई हमारी हो गई है रेडी ब्लाउज की। इसी तरह से दोनों पार्ट, हमें दूसरा पार्ट भी सेम टू सेम ऐसे ही सिल लेना इस तरह से। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ सिलाई मार ली, ये कवर सिलाई कहते हैं दोस्तों इस तरह से। अभी जो आपको प्रॉब्लम आती है हाथों की स्लीव्स कैसे लगाई जाती है और फुगा आता है, फिटिंग नहीं आती है, तो यही मेन प्रॉब्लम है हमारी। तो ये आपने देखना है लास्ट तक वीडियो। अभी से मैं हाथों को थोड़ा साइड कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे आपने तो ये ब्लाउज देखा ही होगा, कटिंग मैंने इसमें बता दी थी, अस्तर पे कैसे रखा जाता है वो इसमें स्टिचिंग भी बताई। अभी ये मेन पार्ट होगा हमारा, फिटिंग भी होगी और इसके साथ हाथों की स्लीव्स भी कैसे की जाती है। तो यहाँ पे पहले हमें ऐसे कवर कर लेना है हाथों से एकदम परफेक्ट। अभी यहाँ पे हमने जो निशानी बनाई थी वो देख लेना है, देख लो ये वाली जो निशानी है इस तरह से, यानी दिखना चाहिए जो निशानी वाला पार्ट होता है जहाँ पे कटोरी होती है, प्रिंस कट होता है, फोर टक्स होता है, तो उसे हमें आगे आना चाहिए। कभी कभार क्या होता है हम लोग जो ब्लाउज सिलते हैं ना, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाता है और ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाता है। फिर हम लोग ब्लाउज पहनते हैं, फिर ब्लाउज सिलने के बाद फिर ब्लाउज जब हम पहनते तब हमें मालूम पड़ता है ब्लाउज में कुछ गड़बड़ हो गई। फिर हमें लगता है हमने तो इतना अच्छा कटिंग किया है, फिर ऐसा क्यों प्रॉब्लम आ गया, तो ये प्रॉब्लम आ जाती तो हमें मालूम नहीं पड़ता है। तो अभी यहाँ पे जो एरो दिख रहा है मैंने यहाँ पे नॉचेस लगा दिया हुआ है। इसे हमें क्या करना है, जो हमारे जो बीच वाली जो शोल्डर होती है ये वाले जो हमें पार्ट ज्वाइंट किया हुआ है, तो इसे हमें यहाँ से हमें स्लीव्स लगाना है। बहुत सारे यहाँ से डायरेक्ट लगा जाता लगाते हैं, पर यहाँ पे कभी कम पड़ता है कभी ज्यादा हो जाता है। तो बीच में से लगाने से क्या होता है परफेक्ट आ जाता है, थोड़ा बहुत कम हो जाता है ना तो कोई बात नहीं चल जाता है, डरने की बात नहीं है। क्या होता है कवर हो जाता है, जब हम लोग ब्लाउज की फिटिंग करते हैं तो उसके अंदर कवर हो जाता है। अभी यहाँ पे हमने ऐसे हल्के हल्के हाथों से सिलाई मारते जाना है। अभी आपको बोला हल्का हाथ यानी कि कौन सा, तो यहाँ पे हमने कपड़ा खींचना नहीं, इसे हम लोग कहते हैं हल्के हल्के हाथों से ऐसे सिलाई मारते जाना इस तरह से, देख रहे हो इस तरह से। थोड़ा दो धागा निकल गया, कोई बात नहीं धागा लगा लेते नए से। अभी यहाँ पे हमने धागा लगा लिया दोस्तों, देख रहे हो एकदम कपड़ा में थोड़ा भी नहीं खींच रही हूँ, जैसे है वैसे ही सिलाई मारते जाना है इस तरह से। और यहाँ पे जब भी हमको राउंड शेप में आ तो यहाँ पे सुई दबा देनी है, सुई दबाने से क्या होता है कपड़ा थोड़ा भी खिसेगा नहीं। अभी इसे मैं देख रही हूँ एकदम परफेक्ट हमारी आ गई है यहाँ तक, हल्के हल्के हाथों से ही लेना है दोस्तों, सिलाई मारते जाना है हमें इस तरह से।
कभी कभार यहाँ पे कम पड़ गया तो कोई बात नहीं, जब हम लोग फिटिंग करते हैं दोस्तों उसमें कम ज़्यादा हो जाता है, तो फिटिंग के अंदर जो होता है कवर सिलाई अंदर चली जाती है, देख रहे हो इस तरह से एकदम परफेक्ट। अभी आपको लगा ये अस्तर में कितना ये थोड़ा कम पड़ा, कोई बात नहीं फिटिंग के अंदर जाएगा, बाकी कुछ नहीं। अभी एक सिलाई तो मैंने मार ली, अभी यहाँ पे भी हमें ऐसे ही सेम टू सेम करना है, देख रहे हो इस तरह से बीच में से भी बीच में से ज़्यादा करके स्लीव्स लगानी है दोस्तों, फिटिंग बहुत अच्छी आ जाती है और फुगा वगैरह आता नहीं आर्म होल के साइड में। और नए लोगों के लिए खास करके बता रही हूँ कि बीच में से ही कुछ भी आप जब ड्रेस सिलते होगे कुछ भी सिलते होगे ना तो बीच में से ही आस्तीन लगानी है हमें इस तरह से, और कपड़ा थोड़ा भी खींचना नहीं है, इस बात का आपने ध्यान देना है, क्योंकि जब आप बाहर सीखने जाओगे ना तो वहाँ पे हमें यही बताते कपड़ा थोड़ा भी खींचना नहीं। मैं अभी आपको एक चीज़ बताऊँगी, ये देख रहे हो ये वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया है हल्का सा, अभी आप लोग अभी ये दिख रहा है वहाँ कितना परफेक्ट है, यहाँ पे कितना ज़्यादा हो गया है। अभी कुछ डरने का नहीं है, एक मैं एक बताऊँगी एक टिप्स, अभी यहाँ पे जो ये दिख रहा है यहाँ पे हमने हमारी जो टेलरिंग गीता टेलरिंग की कटिंग है ना दोस्तों उसमें हमने आपको ज़्यादा बताया हो, यानी मार्जिन हमारी ज़्यादा होती कम नहीं होती है। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया और स्लीव्स बहुत कम पड़ गया, अभी यार करे तो क्या करे, वापस निकालना पड़ता है, नहीं निकालना है दोस्तों कुछ करना नहीं है। यहाँ पे हल्के से यहाँ से जो दिख रहा है देख रहे हो यहाँ पे मैं हल्के से छटाई करूँगी, छटाई करनी है इस तरह से, आपको अंदाजा आ ही गया होगा, देखो कितना एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने यहाँ पे ऐसे किया हुआ है, ऐसे लगेगा ही आपने छटाई की क्या कुछ नहीं। अभी ये इतना जो दिख रहा है कपड़ा अभी यहाँ तो कम पड़ गया, कोई बात नहीं यहाँ पे जो हम लोग फिटिंग करेंगे तो अंदर ये कवर हो जाएगा, दिखेगा थोड़ा भी नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमारी ऐसी छोटी छोटी टिप्स होती है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ बार बार, मेरे हर वीडियो में आपको बताती हूँ स्लीव्स लगाते समय बीच में ही लगाना है, और मैं आपको लेके बता देती हूँ, देख रहे हो ये स्लीव्स हमारी कितनी परफेक्ट आ गई है इस तरह से, ना ही फुगा आता है ना ही कुछ आता है, और स्लीव्स जब हम लगाते हैं जब ब्लाउज पहनते हैं एकदम परफेक्ट हाथों में बैठ जाती है, थोड़ा भी कतली वगैरह होता ही नहीं है। तो इसी तरह से दूसरी स्लीव्स भी सेम टू सेम ऐसे ही लगा लेते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए मैं एक ही पार्ट आपको बता रही हूँ। अभी यहाँ पर हमने दोनों तरफ सेम टू सेम सिलाई मार ली स्लीव्स के, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने स्लीव्स ले लिया है और जो सिलाई के पार्ट से देख रहा है, कभी आप बोलते हो ना हमारी स्लीव्स आगे पीछे हो जाती है सेम टू सेम नहीं आती, तो आपने क्या करना है जो ये सिलाई दिख रही है सिलाई टू सिलाई में हमें ऐसे ज्वाइन करना है इस तरह से, और इसको ऐसे करना है और कोने में सिलाई मारते जाना है दोस्तों, एकदम कोने में इस तरह से, कपड़ा नहीं खींचना है कौन से भी पार्ट में हमें सिलते हैं तो कपड़ा थोड़ा भी खींचना नहीं, इस बात का ध्यान देना है। देख रहे हो सिलाई टू सिलाई आ गई है, अभी से हमें सेम टू सेम ऐसे रखना है, एकदम परफेक्ट आ जाता है ये इस तरह से, देख रहे हो एकदम स्ट्रेट सिलाई आ गई हमारी। बहुत जनों की रिक्वेस्ट होती है मैम हमारी क्यों नहीं आती आपकी आती है, तो इस तरह से सिलाई करते जाना है, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है दोस्तों सिलाई को छोड़ के हमें इसे कट कर लेना है, देखो इस तरह से बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों ये वाला। हाँ दोस्तों आपको नहीं भी समझ में आते जो भी वीडियो हमें नहीं समझ में आते कटिंग और या स्टिचिंग, तो रिपीट रिपीट करके देखना है, रिपीट रिपीट करने से क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा, देखो इस तरह से। और एक लेके बता देती मैं आपको, यानी थोड़ा और अंदाजा आ जाएगा, देखो अभी दूसरा स्लीव भी सिला हुआ है सेम टू सेम। हाँ दोस्तों सीधे से पहले सिलना है, उल्टे से मतलब उल्टा नहीं सिलना है, क्योंकि एक कवर सिलाई हम कर रहे हैं सिलाई टू सिलाई, देख रहे हो मैंने ले लिया हुआ है, और ये भी परफेक्ट इस तरह से करना है सिलाई, कोने कोने में मारते जाना है दोस्तों, आगे पीछे कर लेते थोड़ा बहुत, और यहाँ पे मैं सिलाई लेनी है इस तरह से, और सुई दबा देती है इस तरह से, और स्ट्रेट लाइन हमारी आ गई है, स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो फिटिंग भी परफेक्ट आती है, नहीं तो स्ट्रेट लाइन नहीं आती ना तो फिटिंग बराबर आती ही नहीं, इस बात का आपने ध्यान देना है। देख लो इस तरह से थोड़ा कपड़ा पीछे से खींच गया था ना इसलिए मैंने इसको लेवल कर लिया है थोड़ा हल्का सा ऐसे स्ट्रेट में, देख रहे हो अभी आपको लगा ये तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ये कम लग रहा है, नहीं दोस्तों अभी जब हम लोग कमर पट्टी लगाएंगे ना ये वाला तो ये बराबर आ जाएगा, इतना उतना तो चलता है फिटिंग में आ ही जाता है, क्योंकि कपड़ा एक्स्ट्रा है ना हमारा, इसलिए अभी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें इसे कट कर लेना है इस तरह से, देख रहे हो मैं आपको अभी लेके बता देती हूँ, इसको थोड़ा साइड कचरे को, अभी जो हमने यहाँ पे फिटिंग मारी थी देखो अभी ये परफेक्ट आ गया ना अच्छी तरह से। अभी कंबर पट्टी पर लगा लेते हैं हम, यहाँ पे मैंने कंबर पट्टी को पहले ही 1.5 इंच जितना कपड़ा कट कर लिया हुआ है, अभी इसे पहले कंबर पट्टी लगा लेते हैं, पहले यहाँ पे जो भी धागा दोहरा होगा वो हमें कट कर लेना है, यानी अंदर आएगा नहीं, अभी इसे हमें कवर करना है, तो इस तरह से इसे हमें इसे कवर कर लेते हैं और आगे पीछे करना है
इस तरह से, और लाइन देना है, सॉरी सिलाई करनी है स्ट्रेट वाली। जो अभी ये पार्ट दिख रहा है आपका कम्बर वाला, तो यहाँ पे हल्की सी हमने प्लेट लेनी है, ये प्लेट कंपल्सरी लेनी है दोस्तों। हमें प्लेट नहीं लोगे तो फिटिंग बराबर नहीं आएगी। अभी जो पीछे का टच पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे भी हमें हल्की सी प्लेट ले लेनी है इस तरह से, और कपड़ा बराबर रख के सिलते जाना है। हाँ दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना ना भूलना है। अभी यहाँ पे जो भी टक्स दिख रहा है, अभी दो टक्स होते हैं और टक्स के वहाँ पे हमें इसी प्लेट लेनी है और कम्बर साइड प्लेट लेनी है इस तरह से। ये फिटिंग बहुत अच्छी आ जाती है, ये सबके लिए बता रही हूँ मैं आपको, कौन सा भी आप ब्लाउज सीते होगे ना उनके लिए खास करके ये। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर लिया हुआ है। अभी यहाँ पे हमने स्ट्रेट में मैं यहाँ पे सिलाई दे देती हूँ, और यहाँ पे भी इसे कवर कर लेती हूँ आगे पीछे। जो भी एक्स्ट्रा धागा दोरा तुरंत कट करना है, फिनिशिंग तुरंत बनी रहती है। आप इस तरीके से ब्लाउज सिलोगे दोस्तों, आपकी फिटिंग और फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। आप नए होगे, बिगनर होगे, तो आपको नहीं जमता हो तो आपने कॉटन के कपड़े पे सिलाई करने। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा अभी आपने देखा ना, मैंने यहाँ पे कट कर लिया हुआ है, अभी इसे हमें कवर करना है। अभी यहाँ पे इसे करना है हल्के हल्के नाखून से, देखो इसे दबाना है और लव सिलाई मारते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे हमने ऐसी पूरी तरीके से मैं लव सिलाई मार देती हूँ दोस्तों, सेम टू सेम, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए मैं स्ट्रेट लाइन मार देती हूँ सिलाई। अभी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मार ली, अभी यहाँ पे हमने इसे कवर करना है इस तरह से, और इसको ऐसे करना है, देख रहे हो इस तरह से, ओके। और यहाँ पे मैं बड़ी वाली सिलाई मारनी, यदि आप हाथ सिलाई करना चाहते होगे तो बड़ी वाली सिलाई मारनी है, यदि आपको हाथ सिलाई नहीं पसंद यानी कि तुरपाई, तो छोटी वाली सिलाई भी नॉर्मल वाली हमारी मार सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने पूरी सिलाई मार ली, आप देख सकते हो आगे पीछे कर लेना है इस तरह से, एकदम कम्बर वाली सिलाई हमारी हो गई है रेडी, आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट है ना। अभी यहाँ पे हम लोग मेन फिटिंग आप लेंगे, फिटिंग कैसे की जाती है आप देख रहे हो, ये जो निशानी हमारी जो ब्लाउज के आगे पीछे थोड़ा भी हुआ नहीं है कुछ नहीं, अभी इसे परफेक्ट रखना है। और पहले हमें क्या करना है, कोने में एक सिलाई मार लेनी है, पहले कोने में सिलाई मार के मेन फिटिंग करनी है। बहुत जनों को फिटिंग नहीं आती है, फिटिंग आ गई तो बस आपका ब्लाउज एक नंबर बन गया है ना, फिटिंग का ही मेन होता है, फिटिंग और फिनिशिंग, बस ये दो चीज़ का खास करके ध्यान देना पड़ता है ब्लाउज के अंदर। अभी यहाँ पे हमें कोने कोने में सिलाई मारते जाना है इस तरह से, आप देख सकते हो कोने कोने में पहले मार लेना है, क्योंकि हमने जो दब सिलाई मारी थी वो दब जानी चाहिए। तो इसी तरह से एकदम कोने कोने में इसी तरह से दोनों तरफ हम सिलाई मार लेते हैं सेम टू सेम। अभी यहाँ पर हमें दोनों तरफ सिलाई सेम टू सेम मार लेना है, पहले इस तरह से आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट, एकदम स्ट्रेट भी आ गई है, इससे ही समझ में आता है फिटिंग एक नंबर होने वाली है हमारी। अभी यहाँ पे जो आपको फिटिंग नहीं आती है ब्लाउज में, आड़ा टेढ़ी सिलाई आती है तो नहीं आती दोस्तों, इस तरह के आपने किया तो हमें तो लगता है पूरा ही वीडियो आप देख रहे हो। अभी यहाँ पे हमने जो ब्लाउज लेना है, अभी जिस माप का ब्लाउज का हमने फिटिंग लेना है, तो यहाँ पे जहाँ पे हमारी जो हुक लगती है, हुक वहाँ से हमें गिनना है, वो ब्लाउज सीधे करके गिनना, आड़ा टेढ़ा गिनना नहीं, उल्टा गिनना नहीं है, सीधा कर लेना है इस तरह से। वो जो हमारा जो टेप होता है ना दोस्तों, ये टेप इसको यहाँ से लेके इसको यहाँ तक जो सिलाई दिख रही है, तो यहाँ पे हमें इसे लगाना है। ये कितना है, 9 है, देख रहे हो यहाँ पे मैंने लगा लिया, कपड़ा थोड़ा भी नहीं खींचा है, 9 तक हमारी ये सिलाई है, यानी 9 हो गया ये, और यहाँ पे ये 8, और आगे के तो छोटी स्लीव्स है, तो हमें बड़ी वाली स्लीव्स है ना, तो हमें मैंने पहले ही गिन लिया था 11 था, उसका मैं आधा कर लूँगी 5.5। अभी यहाँ पे जहाँ पे हमारी हुक लगती है वहाँ से हमें गिनना है ये 9, देखो मैंने कपड़ा थोड़ा भी खींचा नहीं है, 9 पे यहाँ पे निशानी मानिए, फाइनल फिटिंग नाप है हमारी ब्लाउज की। तो यहाँ पे कम्बर हमारी होगी 8 इस तरह से, देख रहे हो इस तरह से 8 परफेक्ट आ ही जाता है। अभी यहाँ पे गोलाई हमारी 11 थी, तो यहाँ पे हम लोग आधा कर देंगे यानी 5.5 इस तरह से, इस तरह से आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे हमने इसको टेप रखना है या स्केल रखना है, आपको जो भी इजी लगा वो रख लेना है, और इसको हमें यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन देनी है इस तरह से, देख रहे हो ये हो गया हमारी एकदम फाइनली फिटिंग नाप ब्लाउज की, एकदम करेक्ट ये फिटिंग नाप हमारी है। तो अभी मैं आपको सिलाई करके बता देती हूँ इस तरह से, और ब्लाउज सिलाई थोड़ी आगे पीछे कर लेके ये फाइनल नाप है, और जहाँ पे हमारी जो चौक की मैंने निशानी की थी उस पर ही हमें सिलाई मारते जाना है दोस्तों, उस पर ही, देख लो इस पर ही,
और इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई मार दी। इसको भी आगे पीछे कर लेती हूँ और दो तीन सिलाई और मार लेती हूँ। कभी हम लोग कभी पतले मोटे हो जाते हैं ना, तो ये सिलाई हम लोग रखते ही है और फिर निकालने में आसान तरीका हो जाता है। हाँ दोस्तों, फिटिंग करते समय छोटी यहाँ पे मोटी सिलाई लेनी है। क्या होता है, छोटी सिलाई लेने से कपड़ा भी खराब हो जाता है, मोटी सिलाई लेने से इजीली सिलाई निकल जाती है और कपड़े की फिनिशिंग भी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा मारी है दो सिलाई और यानी ये टोटल यहाँ पे हमारी चार सिलाई हो गई है। इस तरह से इसको भी हम लोग थोड़ा कट कर लेंगे धागा दोरा। अभी हाथ की सिलाई हम देखेंगे, अभी इधर की। अभी यहाँ पे हमने कितना 9 लिया था, तो यहाँ पे हम लोग 9.5 ले लेते हैं। कभी आपको लगा 9.5 इसलिए क्योंकि यहाँ पे आधा इंच बढ़ गया ना, इसलिए। तो यहाँ पे हमने 9.5 ले लेना है। कपड़ा थोड़ा भी यहाँ पर भी खींचना नहीं, जैसे है वैसे ही। अभी वहाँ पे 8 था तो यहाँ पे हम लोग ले गए 8.5, इस तरह से देख रहे हो। अभी यहाँ पे हमें जितना है उतना ही लेना है, 5.5 देख रहे हो, इस तरह से। अभी इसे भी हमें स्ट्रेट लाइनिंग देनी है खड़ू से। ये हमारी होगी फाइनली फिटिंग, नाप है हमारी ब्लाउज की। ये कपड़ा थोड़ा भी खींचना नहीं है आगे पीछे, एकदम परफेक्ट दिख रहे हैं। इस तरह से फाइनली फिटिंग नाप हो गई हमारी। अभी यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन कर ली, अभी यहाँ पे हम लोग फिटिंग कर लेते हैं मेन। इस तरह से देख रहे हो, सेम टू सेम ही करना है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नया नहीं है, खाली मेन फिटिंग का नाप है ये, इस तरह से। और देखो हमारा जो ब्लाउज है आगे पीछे भी हुआ नहीं और कुछ नहीं, सेम टू सेम आ गया है। आगे पीछे सिलाई कर लेती हूँ, एकदम स्ट्रेट लाइन आ गई। अब यहाँ पे ऐसे 2-3 सिलाई मार लेती हूँ और सीधा ब्लाउज कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ब्लाउज सीधा कर लिया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा पिनअप लगा लिया है। अब यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि ब्लाउज की जो शोल्डर हमारी गिरने वाली नहीं है, फिटिंग भी परफेक्ट है, स्ट्रेट लाइन आ गई है, देख रहे हो इस तरह से। मैं पीछे का भाग बताती हूँ आपको, एकदम अच्छी तरह से आ गया है ये, एकदम करेक्ट देख रहे हो। पाइपिंग भी कितनी बढ़िया आ गई है। ये सब पूरा वीडियो मैंने आपको बताया और स्टिचिंग कैसे की जाती है, ऐसी इस प्रकार की सब ब्लाउज की स्टिचिंग होती है दोस्तों। यहाँ पे कुछ नया नहीं है और कुछ नहीं है। और स्लीव देखो, ये लॉन्ग पे हमने बताया हुआ है और आगे पीछे हुआ नहीं। मैंने आपको बताया था ना कि थोड़ा ही कपड़ा कम पड़ गया था, देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एकदम फिटिंग के साथ आ गया और अंदर कवर गया है। और इतना सारा होता है हमारी मार्जिन, उनके अंदर ये कवर हो ही जाता है। इस तरह से मैं थोड़ा कफ लगा के बता दूँ, कफ लगाने से क्या होगा, आपको तुरंत आइडिया आ जाएगी फिटिंग का, यानी जो ब्लाउज हमारा कितना उभर के आएगा जब हम साड़ी पहनेंगे। देख रहे हो इस तरह से एकदम परफेक्ट, और ब्लाउज भी आगे पीछे हुआ नहीं, हाथ में शोल्डर तो शोल्डर पकड़ रही हूँ इस तरह से, देख रहे हो एकदम। इससे ही समझ में आता है कि यहाँ पे फुगा करली नहीं होने वाला है, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आ जाता है इसी तरह से। अब एक बार घड़ी भी लगा करके बता देती हूँ, क्या होता है कभी कभी घड़ी भी आड़ी टेढ़ी आ जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज लेना है इस तरह से, शोल्डर टू शोल्डर स्लीव्स, और यहाँ पे इस तरह से। अभी हम लोग अभी तो अस्त्री भी कर रही किया नहीं है मैंने, अस्त्री करेंगे तो और फिटिंग फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। इस तरह से देख रहे हो, ब्लाउज आगे पीछे थोड़ा भी होने, बहुत जल्दी कमेंट होते हैं आगे पीछे का पार्ट हो जाता है और कुछ भी हो जाता है। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, देखो हमारी जो कटिंग है इसके हिसाब से मैंने बनाया हुआ है अभी घड़ी। वाव, आपके सामने ही मैंने घड़ी की है और लॉन्ग स्लीव्स की बताई है, स्लीव्स भी परफेक्ट आ गए। तो ये आज का ये वीडियो आपको ये कैसे लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना है। और कौन से रिलेटेड वीडियो का आपको प्रॉब्लम होगी आता नहीं तो वहाँ पे भी हम वीडियो आपको बताएंगे और डाउट्स क्लियर कर देंगे। और हाँ दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।